पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मैच को तो आपने लाजमी देखा होगा, और अगर आप क्रिकेट का शौक रखते हैं तो यकीनन आपने इस मैच को पूरी तरह और मज़े से देखा होगा। लेकिन भैया, क्या आपने नोट किया कि वहाब रियाज कितनी जख्मी हालत में इस मैच जिताने में कामयाब हो गए? जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो में तफसील से बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। अगर आप वहाब रियाज की इस कारकर्दगी को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में वहाब रियाज के लिए एक प्यारा सा जुमला भी लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, वहाब रियाज की उंगली टूट चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, वहाब रियाज की उंगली टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वहाब रियाज ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान टीम के लिए अपनी जान निछावर कर दी। पाकिस्तान टीम को जितवाने में सबसे बड़ा हाथ आ रहा है इमाद वसीम का, उसके साथ ही वहाब रियाज का। अगर वहाब रियाज उस वक्त अपनी हार मान लेते तो वो शायद हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस नज़ारे को ना देख पाते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस कारकर्दगी ने दुनिया को हैरान कर दिया, और वहाब रियाज ने तो भैया पाकिस्तानी टीम के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि उसकी उंगली टूट चुकी थी, फ्रैक्चर था, फिर भी उसने अच्छी कारकर्दगी आखिर तक अपनी कारकर्दगी को जाहिर करते रहे और यह भी दिखाया कि मैंने मैच जितवा दिया। और बहुत ही अच्छी बात है कि वहाब रियाज ने इतनी बड़ी कारकर्दगी दिखा दी। वहाब रियाज की इस कारकर्दगी पर जितनी भी तारीफें की जाएँ बहुत कम है। तो भैया, आप भी क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वहाब रियाज के बारे में। वहाब रियाज ने एक मिसाल कायम कर दी है कि भैया अगर मोहब्बत हो वतन से तो ऐसी हो, अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको खेलने का। वहाब रियाज ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है जो कि काबिल तारीफ़ है और तारीफ भी करनी चाहिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी तारीफ़ कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद ही होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।